दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल TRY पर। और ये देख रहे हैं एडेनियम प्लांट में काफ़ी बड़े बड़े सीड पॉट आ चुका है। और दोस्तों आज बात करेंगे इसी सीड्स को लेके, कैसे आप इसको केयर करेंगे जब प्लांट में सीड्स आते हैं, कौन से जगह में रखने से इसमें सीड्स के आने के संभावना बढ़ जाता है, बताएंगे आज की इस वीडियो में। मैंने कुछ प्लांट में सॉइल मीडिया कुछ अलग ही दिए हैं, दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं और बातें करते हैं कैसे सीड को आप केयर करेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, दो टहनी वाले प्लांट में, काफ़ी छोटा प्लांट है, उनमें भी दो दो सीड पॉट आ चुका है। तो इतने सीड्स आने के कारण क्या है, पहले बता दूं मैं। ये सीड्स विंटर सीजन में जब मेरे कई सारे फ्लावर्स प्लांट लगाया हुआ था विंटर सीजन का, और काफ़ी सारे फूल खिले थे उन जगहों में। और मैंने क्या किया, जबकि एडेनियम में भी काफ़ी फूल खिला था, मैंने मेरे सारे एडेनियम प्लांट को सभी फ्लावर के साथ रख दिए। और उन समय जो मधुमक्खियों के द्वारा या तो बटरफ्लाई के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उनके साथ साथ मेरे एडेनियम में भी सारे पॉलिनेशन हो चुका था। ये देख रहे हैं क्राउन ऑफ थॉर्न्स काफ़ी अच्छा खिला हुआ है। ये एक और एडेनियम प्लांट है जिनमें दो सीड पॉट आए हैं। और ऐसे ही करके मेरे कई सारे एडेनियम प्लांट में बहुत सारे सीड्स आ चुका है। अब इसके केयर कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, जब इनमें फूल आते हैं उनके पहले ही हम लोग काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र के यूज़ करते हैं, और जब सीड्स आते हैं हम में से कोई कोई इनको केयर करना छोड़ देते हैं क्योंकि फ्लावर ख़त्म हो जाता है। पर दोस्तों अभी इन प्लांट को काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होता है, मतलब इनको पोषण की ज़रूरत होता है जो कि हम नहीं देते हैं। इनमें क्या होता है, ऐसे वजह से सीड्स जो होते हैं उनके क्वालिटी ख़राब हो जाते हैं और उनमें सीड्स पनप नहीं पाते अच्छा से, और उन सीडों से जो सीड्स बनते हैं उन सीडों से अच्छे प्लांट नहीं बनता है। तो इन समय दोस्तों हमें इन प्लांटों को काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होता है, हमें देना चाहिए, ख़ास करके बोन मील तो हमें देना ही चाहिए। और अगर आप बोन मील नहीं दे सकते हैं तो वर्मी कंपोस्ट आप दे ही सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ऐसे साबुत दे सकते हैं, या तो पानी में घोल के हर 10 दिन के अंदर आप उन्हें पानी में घोल के आप मिट्टी में दे सकते हैं। इनसे क्या होता है, प्लांट के सेहत भी अच्छा रहता है और इनके जो सीड्स है काफ़ी अच्छे बनते हैं। और आगे चल के उस सीड से आपको हर एक सीड से प्लांट मिलने के संभावना बढ़ जाता है 95%। और चलिए दिखाते हैं हम कुछ प्लांट में जो सॉइल यूज़ किए हैं उनके वजह से ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों देख रहे हैं मेरे पॉट में जो सॉइल मीडिया है इसमें गार्डन सॉइल बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, ये सिंडर है। आपने शायद नाम सुने भी होंगे या तो नहीं भी सुने होंगे दोस्तों। सिंडर एक्चुअली फैक्ट्री के जले हुए वेस्ट होते हैं, जो कोयले के चूड़ा हो जाता है, जो जला हुआ हिस्सा रहता है वो हिस्सा है ये। और ये हिस्सा हमें मिल गया रोड साइड में, उन्हें लेके आता है सभी, और इनमें से जो साबुत कोयला निकलता है उनको निकाल के और उसके जो डस्ट होता है उन्हें भी वो बेचते हैं। आपको ऑनलाइन भी ये चीज़ मिल जाएगा, शायद आप देख सकते हैं। देखिए मैंने इस प्लांट को करीबन 3 महीना पहले इसे बैठाए थे सिंडर में, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ और पहला दफ़ा ये हमें इस बार फ्लावर दिए हैं और इनमें सीड भी आ चुका है। ये थाइसोको का एक वैराइटीज़ है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इनके फ्लावर उतने अच्छे नहीं होते पर इनके जो
प्लांट होता है वो देखने के लायक होता है दोस्तों। और देखिए हमने इसमें सिंडर और बोन मील और वर्मी कंपोस्ट के संग मिक्सचर करके इनमें डाल दिए हैं। तो दोस्तों अगर सिंडर आपको मिलता है तो आप सिंडर में ही एडनियम को लगा सकते हैं। इनमें फ़ायदा क्या है हम बता रहे हैं आपको। अगर बारिश के समय ये प्लांट सिंडर में रहता है और पूरे बाहर में ही रहता है, जितना ही बारिश हो क्यों ना, इन प्लांटों को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सिंडर ऐसे ही एक मीडिया है, इनमें पानी ठहरता नहीं है, नीचे से पानी निकल जाता है। बहुत ही अच्छा एक सॉइल मीडिया हमें मिला है। अगर आपको भी मिलता है तो आप इसे यूज़ करें। तो चलिए और भी कुछ दिखाते हैं आपको।